अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे यहाँ पंडू की चटनी बना रही। पंडू की चटनी के लिए कैसे बनाना है देख लीजिए। पंडू की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कट करने हैं 6 प्याज, 4 टमाटर और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा करिया पाक। दोस्तों इसमें तेल डाल लीजिए। तेल डालने के बाद थोड़ा उसको गर्म होने दीजिए। क्या हो? इसमें थोड़ा सा राया डालिए। उसके बाद करी पत्ता डालिए इसमें। देखिए अभी हम करी पत्ता डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें आनियन डाल दिए, प्याज, और थोड़ा इसको पकाइए। ये थोड़ा पकने के बाद इसमें टमाटर ऐड कीजिए। टमाटर, धनिया पत्ता सब डाल दीजिए। देखिए अभी हमें टमाटर, धनिया पत्ता, लहसुन सब डाला है। डाल के थोड़ा उसको हिलाना चाहिए। इसमें थोड़ा हल्दी डालिए। हल्दी डालने के बाद थोड़ा बहुत शिमला मिर्ची डालिए, मिर्ची पाउडर, शिमला मिर्ची पाउडर। और थोड़ा साल्ट ऐड कीजिए, नमक। ऐसा हिलाना चाहिए, थोड़ा ऐसा हिला के पकने छोड़ना चाहिए। इसको थोड़ा पकने दो, इसको मूंछ के 10 मिनट पकने छोड़ेंगे हम। 10 मिनट के बाद इसे रेडी होता है देखना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी हमारा टमाटो की चटनी रेडी हो रही है। अब इसको थोड़ा ये अच्छा पक रहा है, हम थोड़ा इसको हिला लेते हैं। हमारे कर्नाटक में इसको कन्नड़ा में टमाटो गोज्जू करके बोलते हैं, टमाटो गोज्जू। हमारी बेंगलुरु की जुबान है टमाटो की चटनी करके बोलते हैं। टमाटो की चटनी स्वादिष्ट, हाँ देखे, देखने में ही इतना खूबसूरत लग रही है, खाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, थोड़ा इसको एक और 2 मिनट पकने के लिए छोड़ते हैं। 2 मिनट पकने के बाद देखेंगे। अभी देखते हैं कितना रेडी हुआ है हमारा टमाटो गोज्जू, टमाटो की चटनी। हाँ, देखे हमारी टमाटो की चटनी, टमाटो गोज्जू रेडी हो गया है। रेडी आगी दे नोड़ी, टमाटो गोज्जू तिन्नी फिज्जते तंद्रे तुम्बा चेन्नागि, वाह टेस्ट, वंडरफुल टेस्ट बरुत्ते, मस्त मजा माड़ी। दोस्तों फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।